चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है, लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं चुनाव को लेकर के, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने पड़ाव के तहत राजधानी लखनऊ के सबसे पुराने मार्केट नखास में, जहाँ पर मेरे आसपास कितनी भीड़ है ये आप देख सकते हैं। नखास का ये मार्केट, यहाँ पर सब तरीके के आप कह सकते हैं कपड़े या और जितनी आम ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर बाज़ार में व्यापारी वर्ग क्या राय रखता है और आम जनता क्या राय रखती है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं। आइए थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। सर आपका नाम? हमारा दीप सिंह भल्लो जी। लखनऊ चौथे चरण में है, 23 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं, क्या लगता है आपको किन किन विषयों को, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? विषयों को वोट देना क्या है, जो सरकार कर रही है अच्छा ही काम कर रही है, अच्छा ही काम करेगी आगे आगे। हम लोग तो व्यापारी हैं, व्यापारियों को थोड़ा टैक्स माफ़ करना चाहिए, जो ये 12% लगाने जा रहे हैं इसके लिए किसान भी बेचारे डटे थे, इसके बाद हम लोग को भी डटना, व्यापारियों को डटना पड़ेगा कि 12% का टैक्स कितना हो जाएगा चुनाव के बाद। 12% देना एक नामुमकिन होता, 12% तो हम लोग की कमाई भी नहीं होती है। ये चुनाव के अंदर सबसे पहले उनको ध्यान ये रखना चाहिए पब्लिक का, पब्लिक के अंदर ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पब्लिक अगर खुश है तो उनको वोट पूरा मिलेगा। जी जी, ये सब हमारे छोटे भाई खड़े हुए हैं, ये सब देखिए दुकानदार क्या हालत है, दुकानों की हालत देखिए, टैक्स के अंदर डर के मारे क्या कहते हैं ये लोग बेचारे अपनी अपनी दुकानों से हटे हुए हैं। टैक्स की अगर आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के भी आती है कि तमाम जो पिछले रूल्स चले आए हैं हम उन्हीं को ही फॉलो करेंगे, और कोविड में जो और समस्याएं उत्पन्न हुई उसके भी करेंगे। उन्होंने सिर्फ कोविड के अंदर सिर्फ अनाज दिया, अनाज इतना बड़ा नहीं होता, कोविड के अंदर रोजगार उनको देना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। जब रोजगार होगा, जब हम तंदुरुस्त होंगे तब सब रोजगार कर पाएंगे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ, सीधी बात, जब पेट में अन्न होगा तभी जल होगा। हमारे ग्रंथ साहब में लिखा है पहले अन्न और जल करके फिर मत्था टेको। जी, और भी हम सब लोगों से बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। सर आपका नाम? उमेश यादव। आप किन मुद्दों को देख रहे हैं इस बार वोट करने के, क्या लगता है आपका माहौल क्या है? मुद्दे तो आप सब जनता जानती, मुद्दा कौन कौन सा चल रहा है, किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करना है, हमें किसी की पार्टी का वो नहीं लेके करना है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हम उसी को वोट करेंगे। लेकिन मुद्दा ये रहता है हमेशा, सरकारें तो यूपी का एक ट्रेंड सा रहा है, हर 5 साल में बदली है, पिछले 15 साल का ही आप रिकॉर्ड देख लीजिए, बदलता रहता है। ये तो गेम है, गेम के अंदर कोई सरकार राजा किसी को नहीं है, बस सबसे पहले ये होता है कि जनता का ध्यान, सरकार मीन्स एक राजा, राजा मीन्स एक भगवान, भगवान मीन्स एक बाप, एक बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा तो कैसे रखेगा। हम अगर पार्टी की बात करें तो क्या आम जनता विकास की बात करेगी, क्योंकि हर पार्टियां आज के दौर में विकास नाम ले रही है। पार्टी की बात करना उचित नहीं है, पार्टी कोई भी आए सबसे पहले जनता का ख्याल होना चाहिए, पार्टी चाहे अखिलेश की आए, चाहे मोदी जी की आए, चाहे योगी जी की आए, वो सब हमारे बड़े हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे बाप अपने बच्चों को प्रोशन देता वैसे उसको उनका ध्यान रखना चाहिए। जी, सबसे बड़ा रोजगार, अगर रोजगार होगा मेरा पेट भरा होगा तो समझ लीजिए सब कुछ चल रहा है। ठीक है, आप भी हमारे साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक विषय ये भी बहुत आता है कि युवा आबादी कितनी है, युवा आदि आबादी रोजगार कैसे करेगी, ये एक बड़ी समस्या आती है। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं, रोजगार गया कहाँ, सरकारें आई सब रोजगार खा गई। यहाँ पे कितना युवा आप देख रहे हैं बेरोजगार टहल रहा है, आज लोग अच्छे अच्छे, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं अच्छे अच्छे लड़के, मैं देखता हूँ पेन लेके टहलने साहब लिए 2 रुपए का पेन, कहाँ गया रोजगार? रोजगार होगा हर चीज से आदमी अच्छा रहेगा, बचा रहेगा, रोजगार नहीं होगा अगर मैं चोरी डकैती गुंडागर्दी बदमाशी यही करेगा ना। ये मैं पूछूंगा आपसे कि कोविड के बाद, कोविड से पहले कैसी स्थिति थी और कोविड के बाद कैसी थी? कोविड से पहले बहुत अच्छी थी, हाँ जो बात है, कोविड से पहले तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कोविड के बाद बहुत बेकार हो गई थी, जो कि आदमी को कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हर आदमी भटक रहा है, कितना परेशान हुआ आदमी कोविड में, आपको भी मालूम होगा, जाहिर है मालूम तो होगा, पत्रकार हैं या अच्छे पत्रकार हैं तो आपको तो मालूम होगा। तो कोविड के वक्त में हम ये कह सकते हैं कि जो एक झटका सा लगा, जैसे कि 6 महीने का करीब लॉकडाउन, दुकानें आप लोगों की बंद रही, वो झटके से कितना उबर पाए हैं? कुछ नहीं उभरे अभी,
दस साल पीछे चले, पीछे चले गए, दस साल पीछे चले गए हम लोग। और अभी भी समस्या आ ही रही है तो भैया आएगी। देखिए दुकानें सब भरी हुई हैं और कस्टमर, और कस्टमर नहीं है। आप देख लो कितनी कहीं, जब रोजगार नहीं होगा आदमी के पास में तो क्या होगा। ये बड़ी समस्या है। चलिए एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार चाहे मोदी की बैठे, चाहे राहुल की बैठे, चाहे मायावती की बैठे, चाहे अखिलेश किसी की बैठे, किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते ये रोजगार आदमी जरूरी मांगता है। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, सब बेकार। आप जानते हैं ना, पहले पॉइंट जो है वो आप ही ने, ये पेट जो है आप इसके लिए पकड़े ना, पेट क्लियर कर लेना, वो भाई साहब कैमरामैन लिए पेट क्लियर कर लेना। जब ये रोजगार नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाएगा पेट लेके, क्या करेगा, चोरी डकैती, दिमाग दूसरी तरफ उसका डाइवर्ट होगा। रोजगार करेगा तो उसका ध्यान सारा रोजगार में, फिर हमें तरक्की जो है वो मेन होनी चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं न, खास के ही मार्केट में कि कौन कौन है आज सर के साथ भी बातचीत करते हैं। सर आपका थोड़ा नाम जानना चाहिए। कुलजीत सिंह। सर आप कितने कितने साल से आप यहाँ पे, आपकी दुकान है, आप काम कर रहे हैं? ये 30 साल हो गए जी। अगर हम हाल फिलहाल के चुनाव की बात करें तो एक बड़ा जो करीब 2.5 साल का पिछला वक्त गया है वो कोविड में गया है। कोविड से पहले और कोविड के बाद आप किस तरह का वक्त देखते थे और वो चुनाव पे क्या असर डाले? ये सन्नाटा है मार्केटों में जी। आपका सन्नाटा ही सब कुछ बयां कर रहा है अपने आप जी। अच्छा, कोविड से पहले क्या ऐसी स्थिति थी कि अच्छा मार्केट चल रहा है, अच्छा धंधा पानी हो रहा है, चल रहा था जी हाँ। ये जो अब वक्त है, वोट तो सभी जनता डालेगी, तो अगर आपको हम एक आम इंसान माने तो आप अपने दिमाग में किन किन चीजों को रखते हैं कि जो गवर्नमेंट फोकस करे विकास पे, जो गवर्नमेंट फोकस करे रोजगार के मुद्दे पे, क्या सोच कर क्या वोट डालते हैं? जी कारोबार है ही नहीं मार्केट के अंदर मैडम, बहुत सन्नाटा मार्केट में जा रहा है, पब्लिक खाली घूम रही है, ले कोई नहीं रहा है जी। चलिए आइए और उस तरफ चलते हैं, आइए। तो नखास में आगे बढ़ते हुए एक और दुकान पे हम पहुंच चुके हैं, कपड़े की दुकान पे। इनके जो ओनर, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? विक्की। विक्की जी, 23 तारीख को चुनाव है, किन विषयों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप सोच रहे हैं कि वोट देंगे? वोट देंगे ना, पहले तो ये बताएं। हाँ, वोट तो देंगे। तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? यही सब देंगे जो बेरोजगारी है इसकी जांच से देंगे, और क्या बताओ। अच्छा, कोविड के बाद अब जो दुकानें खुली हैं, ग्राहकी हो रही है, लोग आ रहे हैं, या उतना जितनी आप लागत लगाते हैं नहीं निकल पाती है? पहले निकलती थी, अब नहीं निकल पाती है। पहले निकलती थी, यानी कि हम ये मान लें कि 2.5 साल के करीब आसपास हो रहा है, वो झटके से उबर पाए कि नहीं उबर पाए? अभी नहीं। दादा आप तो बहुत लंबे टाइम से यहाँ दुकान चला रहे होंगे, बहुत सारे चुनाव भी आपने देखे होंगे, थोड़ा क्या फर्क देखते हैं, कुछ हमें बताइए। देखिए एक बात बताएं आपको, हालांकि योगी जी के राज में बहुत अच्छा रहा, जो बात है देखिए सच्चाई, जो पहले गुंडागर्दी ये थी वो थी, ये सब जरा कम हो गई। बाकी ये कि थोड़ी सी उनकी ये है कि उन्होंने महंगाई का दौर नहीं देखा, रोड खराब है उस पर गौर नहीं किया। अगर ये चीज़ों पर अगर वो गौर करें तो आप समझिए 50 साल को इनको हिला नहीं सकता है। देखिए 1947 में मैंने देखा है, अंग्रेज़ों की हुकूमत देखी है, आज मेरी 93 चल रही है, अभी शायद इस इलाके में इतना पुराना आदमी कोई नहीं है। मैं सरदार जी के यहाँ परदादा हूँ, ये 3 पीढ़ी हो गई, ये भी हमारी गोद में खेला है, इसके बच्चे खेल रहे हैं, इसके बाप खेले, ये समझिए कि 3 पीढ़ी हो गई। और ऊपर वाले की दया है भाई, ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वो सी बने कि जो जनता का ख्याल करे। और दूसरी बात ये, एक जो गरीबी है, दूसरी ये महंगाई है, हर चीज़ देखिए आसमान छू रही है, गरीब बेचारा परेशान है। हम लोग भी देखिए आजकल बिजनेस ऐसा चलता था कि आज हम लोग सब दुकानदार परेशान हैं, ये समझिए। बस ये है कि ऊपर वाले की दया हो और कोई भी सरकार आए, हम तो ये चाहते हैं कि बस वो जनता का भला करे, बाकी खुद भी खाए लेकिन जनता का ख्याल करे, दादा जरूरी यही चीज है। अच्छा दादा, यहाँ कोविड के बाद जो दुकानदार है, सब तरीके की, जैसे कपड़े की भी दुकान यहाँ देखी, प्लास्टिक का सामान भी देखा, क्या कुछ परेशानियाँ ज्यादा आई हैं लोगों पर? देखिए महंगाई ने कमर तोड़ दी, जो हम लोग दिन में बैठ के 20-25 हज़ार की दुकानदारी करते थे, आज समझिए कि 5 हज़ार की भी नहीं है।
या कोई सीजन भी हो, क्योंकि गरीबी इतनी है, आदमी इतना परेशान है, कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो जो चीज़ हम लोग से बिकती थी पहले क्या था भैया इतने का है फट से दे देता था, आज जो सोचता है अगर हम 10 रुपये चीज़ बताते तो कहता अरे 5 रुपये ले लीजिए, भैया नहीं इतना परेशान है उस वक्त जी। बाकी ये है देखिए कोई भी आए हम लोग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो गरीबी चल रही है, जो महंगाई है, आसमान छू रही है, इसके लिए कोई भी सरकार आए उसके लिए सोचे। बिल्कुल, एक आम इंसान की ना यही उम्मीद होती है। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बहुत शुक्रिया। तो मार्केट में घूमते घूमते एक चचा भी हमें मिले हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इस बार वोट डालेंगे 23 तारीख को आप? हमें हमेशा वोट डालते हैं, पहला नंबर वोट कर रहता है अपने बूथ पे। इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के किसे वोट करने की सोच रहे हैं? मुद्दे तो सब अपने आप बयान ही कर रहे हैं, और कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये वक्त बताएगा। उनका वादे तो सभी ने हमेशा किया है, बगैर वादे के कोई सरकार बनी नहीं अभी तक। आपकी नज़र में जो मेन विषय होने चाहिए, विकास, बेरोजगारी को हटाना, जनता को सारी सहूलियतें मिले, क्या मुद्दे होने चाहिए आपकी? मेरी नज़र में तो रोजगार होना चाहिए। ये फ्री का देना मोहताज बनाने के बराबर है। हमको रोजगार देंगे तो हम किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। हमारी नज़र में रोजगार जो है सबसे अहम मुद्दा है। अच्छा, यूपी का जो ये ट्रेंड रहा है ना, पिछले 15 सालों में 5-5 साल में 3 अलग अलग पार्टी की सरकार बदल दी जी, जी, जी। और अपने अपने मैनिफेस्टो में सब बात तो विकास की ही करते हैं, मगर कुल मिला के जनता का हाल फिर भी बेकार होता है। तो इसके लिए तो बेहतर ये है कि इंसानी फितरत है, बदलाव चाहती है, तो इस वजह से वो बदल देता है पब्लिक और जनता जो है, सरकार बदल देती है। उससे मुद्दों से और किसी मकसद से नहीं मतलब होता है, उसका चाहिए परिवर्तन, वो परिवर्तन कर लेती है, वरना रहते तो सब एक ही जैसे हैं चट्टे बट्टे, उसमें किसी क्या तारीफ की जाए और किसी क्या बुराई की जाए। अच्छा, आप तो सरकारी पिछले 15-20 सालों से तो आप यहाँ पे रहेंगे इस मार्केट में 35 साल से, क्या क्या बदलाव देखा है अपने सरकारों में, और अगर तुलना की जाए आपको किस में क्या आपको अच्छा काम लगा, किस में क्या खराब? राहत तो जो है दंगे फसाद में जो है घरेलू मोहल्ले वाइज शहरों के अंदर तो रहा है, नहीं हुए हैं ज़्यादा, लेकिन देहातों में वही रवैया रहा है जो सब सरकारों में रहा है। शहरों के अंदर कुछ कम हुए हैं, हाँ ये अच्छा ही है, इसके लिए जो है ये सरकार बेहतर थी, और देहातों के लिए नुकसानदेह थी, और मजदूर तबका इसमें ज़्यादा परेशान हुआ है कोरोना का जो लेकर के इन्होंने किया। मजदूर नहीं मरे कोरोना में, कचरा चुनने वाले नहीं मरे, सिर्फ पैसे वाले मरे, क्यों मरे? ये है सबसे अहम मुद्दा। हमारे प्रधानमंत्री को इसमें सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों, कौन सा कोरोना आ गया है जो गरीबों के से अलग भाग रहा है, पैसे वालों को मिल रहा है। ये जो है ये गौर करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। सबसे अच्छी बात चाचा आपकी लगी, आपने कहा हम हर बार वोट देते हैं, पहले नंबर पे वोट देते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और जो तमाम लोग हैं उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? बबलू। वोट देते हैं आप? बिल्कुल। इस बार 23 तारीख को वोट पड़ने हैं लखनऊ में, क्या सोच करके रखा है, किन विषयों को लेकर के वोट डालेंगे? बस अपना काम अच्छा चलना चाहिए, जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, इसी के आधार पर वोट देंगे। पिछले 5 साल की भी सरकार देखी थी, ये 5 साल की भी देखी, उससे पहले के 5 साल, और मजे की बात ये है तीनों 5 सालों में अलग अलग सरकारें थी, क्या आपको फायदा या नुकसान लगा? काम में बदलाव होना चाहिए, कारोबार खत्म हो चुका है, बिजनेस में बहुत खराब हो चुका है, काम कुछ है नहीं, जनता परेशान है हद से ज्यादा, ये दिक्कतें हैं। आपके कारोबार में अब कोविड के बाद क्या लगता है, क्या बहुत मंदी, बहुत ज्यादा मंदा, बहुत ज्यादा जी 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 बिल्कुल समस्या, मतलब जो जितना भी हमारा आप कहेंगे व्यापारी वर्ग है उसकी समस्या है। थोड़े यहाँ जो और लोग हैं ना उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जाकर के। इस बार वोट डालेंगे आप जाकर के? अभी मेरा वोटर लिस्ट कार्ड नहीं बना है। चलिए, लखनऊ की निवासी हैं, यहीं रहती हैं, सरकार चुननी है, किसको सोच रही हैं? मोदी सही है। अच्छा, इससे पिछले जो 5 साल सरकार थी उससे पिछले भी 5 साल थे, जनता तुलना बहुत ज्यादा करती है तभी 5-5 साल में बदल देती है। आपके लिए मेन विषय क्या रहते हैं कि हमें क्या चाहिए? हम आम जनता है, आम जनता को सुविधा चाहिए, जो थोड़ी बहुत तो मिली है, खैर लॉकडाउन के वजह से दिक्कतें थी वो सही हो गई, बस ठीक है। अभी तो खैर अब पता नहीं आगे लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब का तो नहीं पता।
आंटी वोट डालती हैं? डालते हैं हर बार। हर बार डालते हैं। इस बार क्या लगता है किन महंगाई ने मार डाला है? महंगाई बहुत ज्यादा है। घर में क्या खाएं, क्या कुछ खरीदने जाओ तो बहुत मुश्किल है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। राशन है जितना दे रहे उतने में तो पूरे नहीं पड़ता है। घर में चार लोग हैं तो 5 किलो में क्या होता है? बहुत परेशानी है। वोट देने के लिए मेन चीज क्या समझती है आप? रोजगार मिलना चाहिए कि विकास होना चाहिए? बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। परेशानी तो बहुत हैगी, बहुत समस्या है। हाँ डालेंगे, वोट जरूर डालिएगा। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं। आंटी वोट डालती हैं आप? हाँ बिल्कुल, हर बार। हाँ हर बार। इस बार क्या क्या मन में सोचा है, क्या क्या चीज सोच करके वोट डालेंगे? अरे राशन फ्री मिल रहा और 1000 रुपए उसमें किताब में भी आ रहे हैं बिटिया। मोदी को ही डालेंगे हम, वोट डालेंगे। सब सही है। पिछले 5 साल का आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम जनता मन में सोचती है बच्चों की शिक्षा अच्छी मिले, हमें अस्पताल में इलाज अच्छा मिले, बिजली हो, पानी हो, क्या सोच? अच्छा लगता है। अखिलेश यादव साइकिल। वोट डालेंगे, वोट डालते हैं। तो वक्त हो गया है अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा यहाँ पर रैप अप करने का, बहुत माफी, वक्त की सख्त कमी है। राजधानी लखनऊ वोट डालने को तैयार बैठी है और एक परिवर्तन के लिए भी तैयार बैठी है। अब वो परिवर्तन किस तरह का होगा ये तो फिलहाल परिणाम आने पर ही पता लगेगा, लेकिन जनता का मूड क्या था ये हमने आपको बता दिया। इजाजत दीजिए फिलहाल, कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।